मालदीव्स के अलावा अगर कोई दूसरा देश है जिसने भारत के खिलाफ जाकर हिमाकत दिखाने की कोशिश की है तो वो है आज की तारीख में बांग्लादेश। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि ये अब पूरी तरह से इंडिया को बॉयकॉट करने की तैयारी में है। दरअसल बांग्लादेश में एक पार्टी है BNP और हाल ही में इन्होंने बॉयकॉट इंडिया कैंपेन शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पर। इसने इतनी ज्यादा आग पकड़ ली है कि प्राइम मिनिस्टर को खुद आकर इसके ऊपर सफाई देनी पड़ेगी। रिसेंटली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने ये और जो ऑपोजिशन पार्टी है BNP इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। इन्होंने सीधे एक लाइन में उत्तर दे दिया अपनी ऑपोजिशन पार्टी को कि सबसे पहले आप अपनी वाइफ की साड़ियां जलाई है क्योंकि ये भी इंडिया की ही है, इंडियन साड़ी का ही यूज करके फिर बाद में बोलते हैं बॉयकॉट इंडिया, ये तो कोई सेंस नहीं बनता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आप जो ये इंडियन स्पाइसेस खाते हो ना, क्या आप बिना इसके जी सकते हो? ये तो आपकी रोजी रोटी है। और मुझे पता करना है कि क्या सच में तुम लोगों ने इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना भी सोचा है कि बस यू ही मोर्चा लगा रहे हो। सो प्राइम मिनिस्टर के ये तीखे बयान पर आखिरकार BNP के एक जनरल सेक्रेटरी को उठना पड़ा और उन्होंने जवाब दिया कि जो इंडियन साड़ी उनकी वाइफ ने पहनी थी दरअसल किसी ने गिफ्ट की थी, ये वो बताने लग गए। लेकिन आखिरकार फिर इनका पाखंड भी खुल गया। आपको बता दें कि ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है बांग्लादेश में, ये दरअसल क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया था, इसके रिस्पांस में ये था। तो बट नतीजा देखिए, जिसने कैंपेन चलाया वो खुद ही इंडियन प्रोडक्ट्स का भर भर के इस्तेमाल कर रहा है। आखिरकार ये क्या कर पाएंगे? खैर, इसके बारे में आपकी क्या राय है, लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।